का बिल्कुल साधा टुकड़ा है, आप लोगों को शायद अच्छा लगता है, तो बार बार मेरे पास पर्ची आ रही है तो मैं इस चक्कर में सुनाई दे रही हूँ, फिर आगे आप लोगों को और सुनाया जाएगा। फिल्मी दुनिया वाले गा रहे हैं, इसी को दोहरा दें। सकृति भैया आपकी तरफ से 21 पद मुद्राएं हैं, बस बात यही रहेगी, तुझे तेरी अदाओं से हम जिंदा जला देंगे। भी सुनना, फिर बाजा बाजी भी सुना देंगे। फिल्म भोजपुर वाले गा रहे हैं, अरे जब से निकले लो घर से बहुरिया, गोरी तोरी चुनरी पे लाल लाल बा, ओए ससा अरे गोरी तोरी चुनरी पे लाल लाल बा, रोड पे चले लूं माता पार्वती ने कहा भोलेनाथ से भोलेना भोलेनाथ हवाहू का अमर कथा सुनाई दे। बोले नाथ ने कहा देवी देखिए अमर कथा है, इसको अकेले में सुनाएंगे। बोले नाथ पर्वत पर गए, एकांत में डमरू बजाया, सभी जीव जंतुओं को भगाया। हाँ भोले नाथ और माता भवानी जय हो। भोलेनाथ कथा सुना रहे हैं, माता कथा सुन रही है, और सुनने वाला हमेशा कहानी जब सुनता है तो हूँ का देता है, कहता हूँ सुनते सुनते लोग पूरा नहीं सुन पाते हैं। आखिर क्यों? ये जो अंदर विकार है ये हमेशा हमेशा सुला देते सुनने वाले को। और क्या, आखिर लोग क्यों सो जाते हैं सुनने वाले? सुनेंगे मसोई कथा में जरा है, माता का सो गई, तभी तक वहाँ एक सुख सुख यानी तोते के अंडे थे, एक अंडे में जीव आ गया, वो अंडा जैसे अंडे से बाहर निकला वो तोते का बच्चा, उसने देखा कि माता सो गई, कहीं कहानी बंद ना कर दे भोलेनाथ, तो माता की जगह वो तोते का बच्चा मसोई कथा में जरा है, तब तोते के हुआ भरा है, तब तेरे आंसू से खून बह जाए, दाएं बाएं अरे दाएं बाएं। कौन बोला तनी? तो चला सूल शंभू का साय साय रे, ऐसे सा ऐसे सा, चला सूल शंभू का साय साय रे, तो करके भागा तोता वो दाएं दाएं त्रिशूल आगे आगे तोता आगे आगे त्रिशूल पीछे पीछे। अब सोचा कि कहां कोई बचाने वाला नहीं है, तब वेद व्यास की पत्नी जी को जमुहाई आ रही थी, अरे लल्ला एक नारी को मुंह माए रे, लल्ला एक नारी को मुंह माए रे, तो अंदर गया तोता कर टाए टाए रे, तब बोले से शंभू हम ना जाए रे, तो तोता भी बोला ना
तोता बोला भोलेनाथ गलत फहमी में हो, हम 9 महीना चोरी और 9 साल में भी नहीं आए। और यही हुआ, 9 साल हो गए, 10 साल हो गए, 11 12 साल हो गए। देवता घबराने बोले कब तक पीड़ा दोगे उस नारी को भोलेनाथ। अब जरा अपनी दृष्टि हटा लीजिए उधर से और कृपा दृष्टि कर दीजिए। जय हो। तब भोलेनाथ ने वरदान दिया, वो बाहर निकले, वो कोई और नहीं, वही है श्री सुखदेव जी महाराज, जिन्होंने श्रीमद् भागवत कथा का पान कराया। अब उनके आराध्य कौन है? भोलेनाथ के राम जी। हाँ, तो राम जी भी पीछे नहीं हटे, वो भी एक पक्षी के पीछे पड़ गए। हाँ, कौन सा पक्षी बचा? कि सीता चरण चौंच हरी भावा है। कौवा भागने लगा, तब परिया का सूझ है नजरिया, तब सच कतनो जब चला तीर रघुवर का साए साए रे। ऐसे ऐसे चला तीर रघुवर का साए साए रे, तो करके भागा काबू पाए काए रे। लेकिन अब बोल नहीं पा रहा, बेचारा रो रहा है। और क्या, जब प्रभु राम का बाण उसके पीछे लग गया ना, तो उसको चांद के लाले पड़ गए और वो पांव पांव की जगह करने लगा, काय 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 काय। हाँ, ये असली का बच्चा है। सब देवता ने मेरे छुपे वो पाए पाए रे। महाराज बचा लो, महाराज बचा लो, कोई ऐसी अवस्था में हंसे तो गुस्सा ही आती है। और क्या, तो जैन जैन कौआ कहने लगा, ए अरे ऐसे न करना तू चाहे चाहे रे, तो करके भागा भागा वो पाए पाए रे। एक भैया हमारे बड़े भैया और दे गए हैं, धन्यवाद। और ये 20 फरवरी 2020 में ये कार्यक्रम होने जा रहा है, खलासी लाइन सब्जी मंडी, जिसमें पार्टी आए हैं दादा माता दीन विश्वकर्मा जी, लोकुश नगर और क्रांति माला जी कानपुर, आयोजक हमारे राजा भैया, आपके तरफों से 51 पद मुद्राएं हैं, धन्यवाद। आइए सहयोगी मंडल को सुनते हैं। और भाई हमारे शक्रीति टमाटर वाले, आपकी तरफ से 51 पद मुद्राएं प्रदान हुई थी, मैं हृदय से नमन कर रही हूँ, धन्यवाद। अरे फिर से ये 51 पद मुद्राएं शक्रीति टमाटर वाले भैया, आपकी तरफ से प्रदान हुई है, धन्यवाद। और रवि भैया जी की तरफ से ये पुनः 21 पद मुद्राएं हैं, रावतपुर काशी, और 21 पद मुद्राएं बाजा बाजी के ना बाजी मुराईलाल बाबा घाट। अगले चक्कर में और क्या, आइए सहयोगी मंडल को सुनते हैं। नहीं
बहुत बढ़िया अधिक समय ना लेते हुए करादनीय जो हमारे निर्णायक मंडल बैठे हैं उनके मान सम्मान का ध्यान रखते हुए क्योंकि उनको परेशानी हो रही है अधिक कुछ नहीं कहूंगी केवल इतना ही कहूंगी कि रुख से नसब का नूर रुख से नसब का नूर झलकता जरूर है रुख से नसब का नूर झलकता जरूर है और काटा रहे कहीं भी खटकता जरूर है काटा में योग हो के रुख से नसब का नूर झलकता जरूर है रोटी अगर हो सच्चा तो वो चमकता जरूर है और मछली के तन से लेंगे गुलाब की शाखा कांटा कहीं भी रहे वो शुभता जरूर है हमारी समिति ने समय का थोड़ा प्रयोग कम करने के लिए बताया तो प्रयोग ज्यादा तो हुआ अब नहीं हुआ क्योंकि इस तरीके से तो हो सकता है बारह नहीं दो भी बज सकते हैं बिहारी घाट मजली तोता गया कहा मंडी जो आपने गाया है वो कौआ कहाँ गया ऐसा इनका कहना है नहीं मेरा कहना नहीं है इसलिए मुझसे कुछ मत कहना हेलो हाँ हम तो तुम्हारे घर के हमारे जैसे काए काए और फाए फाए और भाए भाए कर रहे हैं करुणा जी हमने कहा कि टाइम को देखिए टाइम को देखिए दादा मेरी तरफ से जवाब लीजिए इसीलिए हमने कहा था कल्पना जी से कि टाइम को भी देखिए और अपने गीत भी अच्छे अच्छे गाइए ताकि सात कन पूरे हो जाएं नहीं तो यही होगा कि जो रोड भी चालू हो गया पब्लिक और पब्लिक हटेगी नहीं आप अगर सवाल जवाब बढ़िया करेंगे तो ये पब्लिक हटने वाली नहीं है कानपुर की जनता ऐसी है तो हम सवाल बढ़िया करेंगे ही नहीं नहीं हमको क्या पर ये सवाल बढ़िया करने की और इनका दिन खराब करने की तो आइए जवाब दीजिएगा आपने गीत गाया चले हैं साए साए रे कौआ कर गया काए काए रे और हमने सुना कि कानपुर में तोते भी काए काए कर रहे हैं बिल्कुल बहुत बढ़िया कौआ गांव गांव से काए काए कर रहा है बहुत अच्छे भैया हाथरस वाले लोग तो मूर्ख मूर्ख जानते नहीं है वो जानते नहीं कि कीर्तन क्या होता है लेकिन देखिए इतना जान जाए कि तोता काए काए नहीं करता वो टाए टाए करता है टाए 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 और थोड़ा काफिया बदली बदली ध्यान दीजिए एक तरफ साए साए और फिर कह रहे हैं बाय बाय
जो चंद्रकंदी लगी उसको खा गई ये हमारे हाथरस की विशेषता है। हमारे यहाँ बहुत बिंदी और हलक और हमें अपना हाथरस अपनी जान से भी ज्यादा प्यारा है। बिल्कुल ये आपको बताने याद रहे तो लीजिए जवाब सुनिएगा कि राजा पर जब राजा परीक्षित ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ में एक शर्मा नाम की कुतिया आ गई और वहां आकर के जो हवन सम्राट थी उसको उतरने लगी, चाचा चूटने लगी, उसको मैला करने लगी। तो देखिए होता क्या है दादा कि राजा परीक्षित यज्ञ जब वहां देखा कि ये कुतिया सामान को गड़बड़ कर रही है तो फिर आप जानते हैं फिर कुत्तों का इलाज कैसे होता है, कैसे होता है। तुम्हारा नहीं होगा इसमें कुछ, जैसे हमारे तमाम गीतों में द्वादशी पर कैसे तारण हुआ कुटिया का कि वैसा द्वादशी फल एक कुटिया है भाई हाँ वही कुटिया ओवसी बनी है। पदम पंडु ब्राह्मण के यहां पर तारण तरण हो गया उसका करके गई है वो कहां रे ना जाने कहां कहां गई। भाई ये था योग्य मेरी तरफ से जैसा मुझे समझ में आया। भाई हम तो आतरस वाले हैं, बड़े हल्के फुल्के लोग होते हैं। अरे गायकी कहां होती है।